सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सभी, कैसे भी लगता है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यार मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने यार YouTube पर बहुत ज्यादा तहलका मचा रखा। बट यार माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसे ही पेपर होते हैं जो यार भाई मतलब कि बहुत ज्यादा ही अच्छे होते हैं। बट यार उनमें से एक छाट के देखा जाए तो क्या कहते हैं ट्राइडेंट और नेदर सॉर्ड मानी जाती है। तो गाइस अगर मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा मतलब इनके बारे में डिटेलिंग बताने वाला हूं एंड गाइस यूट्यूबर्स के ऐसे कुछ क्लिप्स दिखाने वाला हूं जिसमें मतलब ट्राइडेंट को देख मतलब लेके बहुत ज्यादा खुशी मिली थी और गाइस नेदर सोर्ड को भी बना के बहुत सारे यूट्यूबर्स को खुशी हुई थी। तो गाइस वो भी दिखाने वाला हूं आपको, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना। एंड गाइस जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार भी अपने 50,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। और नीचे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो गाइस चलिए बिना किसी टाइम को फटाफट से इंट्रो लगा देते हैं। अगर देखा जाए तो नेदर सोर्ड को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि यार भी नेदर में जाके बस नेदर एंड इंगट ही ढूंढने पड़ते हैं और नेदर एंड इंगट से अपन को नेदर सोर्ड बनानी पड़ती है। बट यार भी अपने ट्राइडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि यार भी वो लक बाय चांस रहता है। किसी का लक तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, किसी का कुछ ज्यादा ही बुरा होता है। अगर देखा जाए तो बीच में सबको लक इतना खास नहीं था क्योंकि यार उनको बहुत ज्यादा मेहनत लग गई थी ट्राइडेंट को खोजने में एंड गाइस उनको लास्ट में ट्राइडेंट आखिरकार मिल ही गया था। तो गाइस उनको मतलब बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे उनको ट्राइडेंट को लेकर एंड गाइस उनकी खुशी कुछ ज्यादा ही फेस पे ज्यादा ही निखर रही थी। तो वो क्लिप देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे लगे मुझे फाइनली। ओ भाई मैं उम्मीद भी छोड़ चुका था, मैं लिटरली नहीं सोच रहा था ये भी ड्रॉप करेगा। मैं सीरियसली आज ट्राइडेंट चाहता ही चाहता था वरना मुझे वीडियो के लिए टाइटल नहीं मिलता आज के लिए। सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं हम, जैसे कि मेंडिंग दो मुझे, इम्पेलिंग 5 गिव मी दैट। सबसे पहले मेंडिंग लगाऊंगा। गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड इतना बड़ा नाम मैं रखूंगा, कोई नहीं रखता मैं रखूंगा। और अब इस पे हम लगाएंगे इंपेलिंग 5। अरे नहीं पहले ही से एंचेंट। अगर देखा जाए तो बीच में हमने नेदर सोर्ड भी बनाई थी बट यार भी उनका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही एपिक था, एपिक नहीं था मतलब ठीक ठाक ही था। तो देखते हैं यार भी उनका रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी भीष्म शुक का फैन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को भी लाइक मार देना एंड नीचे कमेंट में लिखना #भीष्मशुक। क्या कबाड़ा भर रखा है भाई साहब मेरी इन्वेंटरी में 7। हाँ ओके यही कर रहा हूँ मैं। और इस पे हम ये लगा देते हैं, तो इससे कितना हो जाएगा ये 7 से 8 अटैक डैमेज। नाइस। तो ये जो सोल स्पीड वाले बूट्स हैं मैं इन तो गाइस मैंने आपको दोनों ही रिएक्शन दिखा दिए भीष्म शुक के कि दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट है। तो गाइस उनको ज्यादातर मतलब कि नेदरराइज सॉर्ड इतनी खास नहीं लगी बट यार भी उनको ट्राइडेंट का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही एपिक था। तो गाइस मैं समझ आप सब समझ ही गए होंगे कि ट्राइडेंट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है नेदरराइज सॉर्ड से। अगर आप इन दोनों में से कोई भी ट्राइडेंट या मतलब कि नेदरराइज सॉर्ड में से जो भी ज्यादा पसंद करते हो तो प्लीज कमेंट बता देना कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हो, लाइक करते हो, मतलब किसको ज्यादा वेपन में से हाईएस्ट पोजीशन देना चाहोगे, तो प्लीज कमेंट कर देना। अगर उसी तरफ हम बात करें यस मार्टी पाई के तो गाइस उनको भी ट्राइडेंट मिला था। तो गाइस वो भी बहुत ज्यादा एपिक मोमेंट था उनका, तो ट्राइडेंट मिला तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। तो गाइस उनका भी रिएक्शन देख लेते हैं कि ट्राइडेंट मिला था तो उनका क्या रिएक्शन था। मारेगा? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यस इतनी मजा, ओह यस इसने मुझे दे भी दिया साथ में। ओके ओके गाइस मैं तुम लोगों को मिरेकल दिखाना चाहता हूं। छोटे नहीं, छोटे नहीं, छोटे नहीं, प्लीज 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 प्लीज, जाइए से जाइए से जाइए से। उफ क्या डराया छोटे ने यार, हॉलोस मार दिया था उसने मेरे को। अरे तबे तू ठीक है ना भाई, ले आजा आजा आजा, खाना खा ले, खाना खा ले, शाबाश, हील कर खुद को। दिया इसने ना मेरे को ट्राइडेंट, कहां गया? यस गाइस ट्राइडेंट मिल चुका है मेरे को। ये हमारी सबसे एपिक जर्नी थी आज तक की इस वर्ल्ड की। इट वाज अ ट्रू बैटल गाइस, अ ट्रू बैटल बिटवीन टू वॉरियर्स, स्मार्टी पाई एंड छुटकू ड्राउन ज़ॉम्बी। उस बंदे ने मेरे को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन। सो गाइस यस मार्टी पाई ने नेदर एज सॉर्ड को छोड़ के भी एक सॉर्ड बनाई थी। तो गाइस मैं उस सॉर्ड को दिखाना चाहूंगा। तो गाइस अगर उस सॉर्ड को दिखाने से पहले अगर जो भी यस मार्टी पाई का फैन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को भी लाइक मार देना एंड नीचे कमेंट में लिखना #यस मार्टी पाई। शॉट, तीन शॉट,
चार शॉट में खत्म। नॉर्मली अगर मैं इसको यहाँ पे डायमंड की शॉट से मारता ना, मुझे कम से कम 10 से 15 शॉट मारने पड़ते भाई। ये वाली शॉट बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है और दिखने में भी कितनी ज्यादा सुंदर है। ओके बटा भाई, अब हम लोगों को जाना है इस जंग में, एक बहुत बड़ी जंग जहाँ पर हम लोगों को इस रिवेंज से रिवेंज लेना है। बटा भैया, क्या तू तैयार है मेरे साथ चलने के लिए, या तू यहीं पर रहना चाहता है, मुझे पहले ही बता दे। गाइस, इन पिलेजर्स को ना शायद पता चल गया कि मैं इनके लिए बहुत ही खतरनाक वाली स्वॉर्ड लेकर आया हूँ, एंड इन्होंने यहाँ पर और मुस्तंडे ला दिए मेरे को मारने के लिए। बट कोई बात नहीं गाइस, अभी मेरे पास यहाँ पे स्मार्टीफाई स्वॉर्ड है, अभी मेरे को डर नहीं लग रहा इन लोगों से। बट गाइस, इन रिवेंज के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले ना मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ इन पिलेजर्स के ऊपर, इनको मारते भाई। एक शॉट में मर गया ये बंदा, सच में? क्या वो सच में एक शॉट में मरा? ओ भाई, ये क्या हो रहा है? What the hell is happening? So guys, अब हम बात करने वाला चपाती हिंदुस्तानी गेमर के बारे में। तो गाइस, उनको भी एक बार ट्राइडेंट मिल गया था, और गाइस उनको नॉर्मल ट्राइडेंट नहीं मिला था, उनको ओवर पावर्ड वाला ट्राइडेंट मिला। तो गाइस, उनको वाली वीडियो बहुत ज्यादा एपिक थी, तो गाइस उस वीडियो की क्लिप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रेसिपी क्राफ्ट करने में मुझे देखना कि इस रेसिपी आखिर था क्या। तो ये ऐसे पड़ा हुआ था, ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, और ये यहाँ पर क्या मिला? नॉलेज बुक, किताब। व्हाट, क्या मिला भाई? अरे ये देखो, गला साफ मत कर यहाँ पर। मारने की कोशिश करता हूँ, वो एक और आगे। आ जा, तो मैं तुम्हारा वेपन तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा। एपिक है यार लॉगी, तूने भी बना लिया। लॉगी काम करते, ऊपर आते हैं। ऊपर क्या है? मुझे लग रहा है कि ऊपर भी इनके पास। सो इस चपाती हिंदुस्तान गेमर की सॉर्ड के बारे में बात किया जाए, तो सॉर्ड उनको भी एक बार हिंदुस्तान गेमर लॉगी की वीडियो में मिल गई थी। तो गाइस, वो बहुत ज्यादा एपिक सॉर्ड थी, तो वो वाली वीडियो आपको जरूर दिखा, वीडियो क्लिप दिखाना पसंद करूंगा। बट यार, चपाती हिंदुस्तान गेमर का जो भी फैन है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को भी लाइक मार देना, एंड नीचे कमेंट में लिखना #चपातीहिंदुस्तानीगेमर। और सामने और भी ब्लॉक्स पड़े हैं भाई, वो सामने देखो। ओए नीचे 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 नीचे, ओए अरे ये क्या है? ओए आ इसको, ओए ओए एक ड्रैगन शॉट दे, एकदम लल्लू है यार, ड्रैगन शॉट दे, ट्रॉल हो गए यार हम तो। नीचे स्केली आ जा। आ रहा हूं। एक काम कर, स्केली के ऊपर ट्राई करते हैं। अरे ये ले, ओए ओए लाइटनिंग मार रहा है, राइट शॉट लाइटनिंग मारती है। तो तुम लिखा तो हुआ ड्रैगन लाइटनिंग शॉट, आ जा। हां ब्रो, ओए भाई आ जाओ। ये बड़ी खतरनाक जगह है, और यहाँ पर भी अंडे पड़े हैं। ओ, हमें अंडे फोड़ने होंगे, लोग अंडे फोड़ने होंगे हमें। अरे पीछे देखो क्या है, इतनी बड़ी मक्खी आ गई भाई। ओए ये ले, ओ तेरी क्या मारा, ये स्लम मारा भाई। इसकी आंख ऑगी की चोट से कोई नहीं बच सकता। ओ माय गॉड, मरने वाला हूं। हाफ हार्ट भाई, हाफ हार्ट। चिकन विकन है तेरे पास? ब्रेड है भाई। ओ माय गॉड, मटन खा, ब्रेड खा रहा है ये, बट क्या भाई, नहीं भाई, ब्रेड ज्यादा हेल्दी होता है। सो फाइनली गाइस, अब हम बात करने वाले हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में गाइस। तो गाइस, उन्होंने भी मतलब कि नेदरराइज सॉर्ड को बनाया था, तो गाइस उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा एपिक था। तो गाइस, वो वाले एपिक मोमेंट को देखना तो बनता है। तो गाइस, अगर उससे पहले जो भी टेक्नो गेमर का फैन है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को भी लाइक मार देना, एंड इस कमेंट में लिखना #टेक्नोगेमर्स। हम लोग एक और नई नेदरराइज सॉर्ड बनाने वाले हैं। मैं पहले सोचता था कि काश यार मेरे पे स्माइट वाली भी हो, और फाइनली गाइस वो दिन आ चुका है, एक और इंगट बन गया फटाफट से। गाइस अभी हमें स्टिक्स चाहिए होगा, स्टिक। और गाइस एक सेकंड, अभी मुझे याद आया कि नेदरराइट सॉर्ड की रेसिपी ये नहीं होती, मैं बेमतलब में स्टिक ढूंढ रहा हूँ। स्टिक छोड़ो, मैं बेमतलब में नेदर जाकर एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग कर रहा था भाई साहब। मुझे कुछ नहीं करना, बस एक डायमंड सॉर्ड बनानी थी, और मुझे एक ही नेदरराइट इंगट चाहिए था। चलो कोई नहीं, वैसे भी मैं एक और बना लिया तो बाद में काम आ जाएगा, अच्छी बात है। अभी फिलहाल इसको मैं संभाल के रख देता हूँ इसके अंदर। तो मैं पता क्या सोच रहा था कि एक स्टिक ऐसे नीचे रखनी है, उसके ऊपर ऐसे दो मतलब कि नेदरराइट इंगट रखने देते होंगे, बट मेरे को अच्छे से याद नहीं था। बट कोई नहीं, अभी मेरे को याद आ गया, लेट्स गो। भी फटाफट से इसको हम लोग यहां रखते हैं। ये बनी अपनी डायमंड सॉर्ड, इसको भी मुझे ना स्मिथिंग टेबल में ले जाकर अपग्रेड करना है भाई। इतने टाइम बाद मैं नेदरराइट यूज कर रहा हूं, लगातार यूज होते रहता तो भाई याद भी रहता, बट अभी शायद मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने एक ही बार नेदरराइट की सॉर्ड बनाई थी, उसके बाद कभी मैंने बनाई नहीं, बट अभी ये दूसरी बार मैं बना रहा हूं। तो चलो, अपने पास दो नेदरराइट सॉर्ड हो चुकी है। ये जो दूसरी वाली नेदरराइट सॉर्ड है, फटाफट से गाइस इसके अंदर अभी हम लोग जितना भी मतलब इसे एंचेंट कर सकते हैं करते हैं, इसके अंदर मेंडिंग वगैरह सब कुछ मैं लगा दूंगा। फिलहाल अभी उसकी जरूरत नहीं है, बस इससे मेरे को विदर को कूटना है। बट शायद से मेरे पास ना एक मेंडिंग की बुक पड़ी हुई है, हाँ मुझे याद था। तो फटाफट से गाइस लगे हाथ, इसके अंदर हम लोग मेंडिंग लगा देते हैं। इस टाइम पर अपने पास एक्सपी एकदम अंधी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली।
भाई कसम से भाई सब ये देख पा रहे हो आप लोग इनके रेट कुछ ज्यादा ही हाई हो रखे हैं। ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इन तीनों विलेजर से ढेर सारी ट्रेड कर लिया है और इनसे मुझे काफी सारे एमरल्ड्स भी मिल गए हैं, लेकिन यार अभी ना इन्होंने मुझे ट्रेड ही देना बंद कर दिया। बस मुझे थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये एमरल्ड्स देना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग यहाँ पर स्माइट 4 की दो बुक ले लेते हैं और इसके अगर रेट कम होते हैं ना तो इतने में चार बुक्स आ जाती। अभी मुझे बस थोड़े से और एमरल्ड्स चाहिए जो कि मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। थोड़े बहुत अपने पास शुगर केन के मतलब पेपर्स पड़े हैं, शुगर केन भी अनलिमिटेड है तो तभी ले जाएंगे। अभी फिलहाल अपनी स्माइट 4 ही लगा लेते हैं, उसके बाद इसे स्माइट 5 कर लेंगे जब हम लोग विदर से लड़ने चलेंगे। अभी फिलहाल पहले हम लोग पहला काम कर लेते हैं जिससे विदर अपने पास आएगा, मीन्स अभी हम लोग स्कल ढूंढने जा रहे हैं सबसे पहले। और यहाँ पर एनविल ही टूट गया था लास्ट।